हरे कृष्ण। हम सभी जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरुदेव का बड़ा महत्व होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम जितने भी संसार के जो जीव हैं, हम जीवात्मा हैं, हम लोग अनेक लोकों में, अनेक योनियों में ना जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, और संयोग वश अचानक हम किसी जो कृष्ण भक्त, जो गुरु, उनके संपर्क में अगर हम आ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ये जो लोक है ये सुधर जाता है, परलोक सुधर जाता है। यानी कि हम लोग सदुगुरु की कृपा से, जो श्री कृष्ण, जो भक्ति लता बीज है, जो भगवान की भक्ति है, उसको प्राप्त कर लेते हैं और हमारा जन्म मरण का जो चक्कर है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन ही मतलब क्यों रखा गया गुरु पूर्णिमा, क्यों? ये थोड़ा आश्चर्य की बात है ना। देखो, पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण प्रकाश, यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है ना, उस दिन पूर्ण होता है ना, पूर्णिमा वाले दिन। और उसके विपरीत जो अमावस्या, वो पूरा अंधकार होता है उस दिन, है ना। तो असल में जो गुरु जी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, अंधकार से निकाल के जो पूर्ण प्रकाश की ओर ले जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, है ना। जो गुरुजी हमें अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ जो हमें लेके जाते हैं। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, जो श्री कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है। और गुरु किसी भी जाति का हो सकता है, कि वह विप्र, के वह सन्यासी, शूद्र, के ने नया। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, गुरु कौन हो सकता है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, ब्राह्मण, गृहस्थी, किसी भी उसका हो सकता है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है, हम जो मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा, हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, कौन है जो आदि गुरु जिनके लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, किन के लिए मनाते हैं? भगवान वेद व्यास जी के लिए। वेद व्यास जी का अगर आप जन्म देखोगे, बड़ा अद्भुत है। एक बार ना पराशर मुनि एक नाव में बैठ के ना नदी पार कर रहे थे, और वो नाव को कौन चला रही थी, एक स्त्री चला रही थी। तो भगवान की कोई कृपा हुई, पराशर मुनि को ऐसा आदेश हुआ कुछ उनके हृदय में कि तुम कोई एक अच्छा पुत्र पैदा करो। तो पराशर मुनि ने क्या किया कि वो जो स्त्री थी जो नाव चला रही थी, उसका नाम था मत्स्यगंधा, यानी कि उसके शरीर से मछली जैसी गंध की आवाज आती थी। तो उन्होंने उनके साथ संग किया, और वहां पे जो है व्यास जी का जो है वो जन्म हुआ। जो वेद व्यास जी हैं, इनका जो एक नाम है वो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो कृष्ण क्यों कहते हैं इनको, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो कृष्ण, इनका जो पहला नाम है कृष्ण, कृष्ण का जो इनका रंग भगवान की तरह बिल्कुल सांवला है, श्री कृष्ण की तरह। द्वैपायन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने एक द्वीप पे जन्म लिया जो नदी के बीच में था। और वेद व्यास क्यों इनका नाम पड़ा, देखो पहले भगवान ने सृष्टि के आरंभ में जो है ब्रह्मा जी को वेद सुनाए, और ये वेद पहले एक ही था। फिर जो नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने वो जो वेद हैं, वो जो ज्ञान है, वो व्यास जी को दिया। तो व्यास जी ने फिर क्या किया बाद में, उनको पता था कि कलयुग में तो मंद बुद्धि, मंद सुमंद मते हो, लोग बहुत मंद बुद्धि के होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उस वेद के चार खंड कर दिए, वेद लिख दिए, 18 पुराण, उपनिषद लिख दिए, महाभारत लिख दिए, वेदांत सूत्र लिख दिया, और लास्ट में क्या लिखा, श्रीमद भागवत महापुराण, जो भक्त
भक्ति से इतना परिपूर्ण है, अगर एक बार भी जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इतनी कृपा जिन्होंने हम सबके ऊपर की है, उन वेद व्यास जी का हम सभी जो है आज के दिन इनका गुणगान, इनकी लीलाएं, इनका हम जन्म उत्सव जो है वो मनाते हैं। और वास्तव में भगवान ने जो है गुरु बनाने के लिए ना एक बहुत सुंदर योजना बनाई है। पद्म पुराण में भगवान कहते हैं कि इस कलयुग में मतलब चार संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये जो चार संप्रदाय हैं ये स्वयं भगवान द्वारा बनाए गए हैं, और इन चार संप्रदायों के अंतर्गत यदि किसी को भी हम गुरु बनाएंगे तो हमें एक अच्छे सदगुरु की प्राप्ति होगी, जो हमें भवसागर पार कराएंगे, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से पार कराएंगे। इसलिए हमें इन चार संप्रदायों के अंदर ही हमें जो है सदगुरु जो है गुरुदेव धारण करने हैं। अगर अन्य अन्य हम जगहों पर संप्रदायों पर जाएंगे तो वो जो है हमारा जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके जाएंगे, वो वहां पे नहीं होगा। तो हम जिनको गुरु बनाए, सबसे पहले उनमें योग्यता होनी चाहिए, होना तो सबसे पहले ये चाहिए कि वो चार संप्रदाय के अंतर्गत हो। और वैसे हमारे रूप गोस्वामी ने बताया कि गुरु के अंदर जो है गुरु धारण करने के लिए उसके अंदर योग्यता होनी जरूरी है। वाचो वेगम मनस है, क्रोध वेगम, जिव्या वेगम, उपद उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विशेत धीरा सर्वाम पीमा पृथ्वी से सिस्यात। यानी कि जिसने अपनी वाणी पे कंट्रोल किया, जिसने अपनी जुबान पे, जिसने अपने मन पे कंट्रोल किया, जिव्या पे कंट्रोल किया, उदर पे, तो वो जो है गुरु धारण करने योग्य है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरु तो श्री कृष्ण है। ये सत्य है कि श्री कृष्ण ही हम सबके प्रथम गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना। तो संसार के सबसे प्रथम गुरु श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के बाद हमारे गुरु कौन है? कौन है? भगवान कृष्ण जो कहना चाहते थे, कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग जो है कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में जो आए, जो कृष्ण का जो ज्ञान देने, वो है वेद व्यास मुनि। उन्होंने जिन्होंने मैंने बताया ना, गीता, महाभारत जो है, वेद, सब कुछ उन्होंने जो है प्रदान किया। तो कृष्ण के बाद हम सबके जो आदि गुरु हैं वो हैं गुरु वेद व्यास। और जिस दिन व्यास जी का जन्म होता है उस दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा जो है व्यास पूर्णिमा अपने अपने गुरुओं की हम पूजा करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जितना भी ज्ञान आया वो वेदों से आया, और वेदों को लिखने वाले कौन हैं? वेद व्यास। तो हम सब के गुरु कौन हैं? प्रथम श्री कृष्ण, और कृष्ण के बाद गुरु कौन हैं? वेद व्यास जी। तो अगर हम सब ने अगर अपना कल्याण करना है तो हमें गुरु धारण अवश्य करने पड़ेंगे। बिना गुरु के जो है वो गति नहीं है। श्री कृष्ण में गीता में कहते हैं, तद्दुद्धि प्रणिपातेन परस्प्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्ते तत्त्व दर्शने। हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाओ और सत्य को जानने का प्रयास करो, उनके सामने जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, अपने हृदय के कपट को छोड़ के जो है जो परमात्मा के तत्व को, जो परम तत्व को तो जानने वाले हैं, उन गुरुदेव के पास जाओ, वो तुम्हें उपदेश करेंगे, तुम्हें सत्य का दर्शन कराएंगे। तो गुरुदेव का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। तो इसीलिए हम जितने भी भगवान के भक्त हैं वो अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद वो करते हैं कि गुरु की कृपा प्रार्थना से जो है हमें हमारा जो
जन्म मरण का ये जो चक्कर है, हम जो संसार में फंसे पड़े हैं, वो बिना गुरु की कृपा से संभव नहीं होता है। तो सभी जो हैं संसार में जितने भी जीव हैं, हमें अपने अपने गुरुओं की आराधना करनी चाहिए। और आज के दिन जो है इसको मुनिया पूर्णिमा भी बोलते हैं। जो सनातन गोस्वामी हैं वो आज का उनका त्रोभाव तिथि होता है वो ये जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और आज के दिन जो है गोवर्धन की परिक्रमा जितने भी भक्त भगवान के होते हैं वो लगाते हैं।